मेरा नाम राम कुमार शर्मा, मैं 21/8/2006 से इस स्कूल में जीजीपीएस में जीविट पोस्ट पर कार्यरत हूँ और इसी कैंपस में जीजीपीएस एंड जीजीएमएस दो स्कूल हैं। अच्छा, ये जो मिडिल शुरुआत है ये 2011-12 में अपग्रेड हुआ था। तो कितने बच्चे हैं फिलहाल? फिलहाल इसमें 74 लड़कियां हैं जी। 74 लड़कियां हैं? हाँ जी। तो क्या 2011 से अब तक कोई टीचर आया? नहीं, कोई टीचर नहीं आया, टीचर ले ऐसे। टीचर रहे थे? हाँ जी। 2011 से? हाँ जी, जब से बना है जी। तो फिर कौन पढ़ाता है इन बच्चों को? हम ही पढ़ाते हैं जी। तो इस स्कूल में कितने टीचर हैं? अब स्कूल में फिलहाल 3 टीचर हैं जी। तो परमानेंट कितने हैं? परमानेंट कोई नहीं है जी। तो कैसे कैसे हैं? राम कुमार शर्मा गेस्ट टीचर जी, प्रवीण कुमार एडहॉक टीचर जी, कमल कुमार एडहॉक टीचर जी। अब एक भी परमानेंट टीचर नहीं है जी? नहीं है। तो फिर यहाँ की जो डीडीओ पावर किसको है? श्री गजय सिंह जी, इनको है जी। कहाँ के मास्टर हैं, कौन से स्कूल के मास्टर? वो फिरोजपुर में ड्यूटी करते हैं। मतलब आप लोगों के पास जो है डीडीओ पावर भी नहीं है? नहीं जी। अच्छा, मैंने सुना है कि पिछले 2 महीने से आपका राशन नहीं बन रहा है और आप अपनी जेब से बना रहे हैं, क्या है? हाँ जी, राशन बनवा रहे हैं जी, पैसे उधार दुकानदार से सौदा उधार मंगावे जी। तो अपनी जेब से? हाँ जी, अपनी जेब से। फिर वो पैसे आपने बीओ से या डीडीओ से नहीं कहा? हाँ कही जी। क्या कहते हैं? डीडीओ साहब से मिलियो जी। हाँ, और बीओ साहब से मिलियो जी, एप्लीकेशन में उन्होंने कही जी रेजुलेशन, एसएमसी को रेजुलेशन करके लाओ। हाँ। और जब कर देंगे हम आपके नाम। आपने दे दी? मैंने दे दी जी, ओथाम है जी, सीआरसी हमारा। हाँ। उसे ओथाम दे दीजिए। तो अभी तक नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर आप अपनी जेब से क्यों राशन बना रहे हो? जेब से राशन इसलिए बना रहा हूँ जी, कल के ये कहते भाई राशन तैन खराब कर दियो लापरवाही में, और मेरे ऊपर ही कोई अंदाजा टूटे तो मान लो 5-4 हजार रुपया मैं भुगतने को तैयार हूँ मैं अपनी जेब से जी। तो वो पैसा किस चीज़ का भुगतते हैं आप? क्या क्या चीज़ मंगाते हैं? तो राशन सरकार देती तो आप क्या मंगाते हैं? देखो जी, ये मंगाते चीनी मंगाते हैं जी खीर के लिए, दूध मंगाते हैं, और ये पौष्टिक सब्जियों पुलाव है, आलू है, प्याज है, टमाटर है, रिफाइंड है, नमक है, मिर्च है, जीरो है, हल्दी है। जेब से मंगाते हैं? हाँ जी, अब 2 महीने से मैं अपनी जेब से मंगा रहा हूँ। अच्छा, ये जो स्कूल है आपका प्राइमरी? हाँ जी। तो मैंने सुना है कि इस बार इनके 3rd से 5th तक के बोर्ड के पेपर नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या कारण है? हाँ जी, पेपर नहीं आए, केवल 2री का पेपर ही आए हैं, 3री, 4थी और 5थी का कोई पेपर नहीं आया। और दूसरे स्कूल से एक एक क्वेश्चन पेपर मांगकर जीपीएस से और बोर्ड पर लिखवाए और एक एक सीट देकर लड़कियों से कराए मैंने। मतलब बोर्ड पर करवाए? हाँ, बोर्ड पर। तो इन बच्चों का 1st से 5th तक का क्या ऑनलाइन रजिस्टर है? नहीं है जी, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो फिर कैसे, तो ये माना जाए कि ये बच्चे ऑन रिकॉर्ड प्राइमरी में नहीं पढ़ते? हाँ जी, सरकारी कानून के मुताबिक बच्चे नहीं पढ़ते, रिकॉर्ड में नहीं है। नहीं जी। तो जब रिकॉर्ड में नहीं है तो इनका तो फिर किताबें भी नहीं आती होंगी? नहीं, किताब नहीं आ रही। कितने दिन से कि आपने चिट्ठी लिखी है किताबों? हाँ, किताबों की लिखी, आप दिखाई चिट्ठी। हाँ। और हर बार दूसरे स्कूलों से मांग कर पढ़ाते हैं जी। तो ये कितने दिन से दिक्कत चल रही है आपकी? ये दिक्कत जब से आईडी और पासवर्ड का जो सिस्टम चल रहा है ना, जब ही से चल रही है। अंदाजा कब से? ये मेरे विचार में 15 से चल रही है जी। 15 से 3-4 साल हो? हाँ जी। और 3-4 साल से ये केवल बिल्डिंग में स्कूल है, रिकॉर्ड में स्कूल नहीं है? हाँ जी, सरकारी में। हाँ जी। अगर कोई बच्चा, हाँ जी, फिलहाल आपके पास प्राइमरी में कितनी लड़कियां हैं? प्राइमरी में 94 लड़कियां। 94 लड़कियां हैं। अगर कोई माँ बाप आपसे 5वीं का 4थी का 3री का आपका एसएलसी मांगे तो क्या आप दोगे? नहीं दे पाएंगे जी। क्यों नहीं दे पाएंगे? वो एसआर नंबर ना हो जी, एसआर नंबर ही हमारे 6ठी क्लास में हो गए। अच्छा, जब 5वीं पास कर देंगे, 5वीं पास करके आधार कार्ड से उससे जब एसआर नंबर, इसको तो है आईडी और पासवर्ड मिडिल वाले को। हाँ। इसको नहीं है, वो 6ठी में जाकर होगा जी वो बालक। तो इसका मतलब तो फूला गुजरी में वैसे ही चल रहे हैं, ये माना जाए? हाँ जी। कि सरकार के रिकॉर्ड में आकर वैसे ही चल रही है। तो क्या इस बारे में आपने शिकायत नहीं की? हाँ, शिकायत की है अधिकारियों से, आप लेटर दिखाओ जी, फाइल में लगे हुए हैं, कई बार रजिस्ट्री करिए, मैंने भी दी है जी एक आध बार। नहीं, जब सरकार ने इसको ऑन रिकॉर्ड प्राइमरी स्कूल नहीं मान रखा तो फिर आप लोगों के तीनों की पोस्टिंग मिडिल में या प्राइमरी में? मेरी प्राइमरी में जी। और दो जो लगे वो प्राइमरी में आए हैं जी, पिछले साल ही आए हैं, जीजीपीएस सुल्तानपुर में जी। अच्छा, वो मतलब अपॉइंटमेंट आप लोगों को प्राइमरी में? हाँ जी। लेकिन प्राइमरी रिकॉर्ड में है नहीं? हाँ जी, वो नहीं है। हाँ। उनका जो रिकॉर्ड नहीं है। हाँ जी। और ये जो मिडिल स्कूल है वो शुरू से ही टीचर लेस चल रहा है? हाँ, टीचर लेस चल रहा है जब से बने हुए जी। तो क्या कहते हैं कि आपने ये बात अधिकारियों से नहीं कही कभी? अधिकारी के लिए लेटर लिखे हो आईडी और पासवर्ड के लिए, आप दिखाए हुए जी। कोई सुनाई नहीं लग रहा है।
2015 से आप लेटर लिख रहे हैं। हाँ जी। तो अभी तक कोई वो नहीं आया। तो ये जो बच्चे हैं, मान ले जो पांचवी तक उनका ऑन रिकॉर्ड एडमिशन नहीं है, तो फिर इनको छठी में कैसे करते हैं? आधार कार्ड लेकर लड़की को, उस लड़की को, उसके मम्मी को, उसके मम्मी को और उसके पापा को लेकर एडमिशन कर लें हम। आधार कार्ड ले। ये माना जाए कि जो राइट टू एजुकेशन के तहत आप एडमिशन करते हैं। हाँ जी। कोई आप SLC नहीं मांगते? नहीं जी। कोई मान ले अगर ये बच्चा कहीं दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो क्या वो एडमिशन हो जाएगा उसका? हम नहीं दे पाएंगे जी, कुछ भी SR नंबर नहीं, हमारे पास ID और पासवर्ड नहीं, हम क्या दे नहीं पाएंगे? इसका मतलब वो बच्चा कहीं भी है अपना एडमिशन नहीं लेगा? पांचवी तक हमारे यहीं रहना पड़ेगा उसे। जो न्याज मोहम्मद साहब, अब आप स्कूल में आए हैं, आप देख रहे हैं कि आप तो स्कूल जो है ऑन रिकॉर्ड नहीं है, अब बता रहे हैं कि भाई राशन नहीं है, क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ें दिक्कत है यहाँ स्कूल में जो है? सर यहाँ दिक्कत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, ना तो पानी है पीने के लिए, घर बच्चे अपने पीने के लिए पानी जाते हैं घर जाते हैं, और ना ही बच्चों के लिए कोई पैसा मिल रहा है, नहीं खाने का कोई इंतजाम है इनके लिए। सर अपने पास से बनाता है वो जो खाने वाने की सब्जी लाता है, टमाटर है, प्याज है, आलू है, मिर्च है, रिफाइंड वगैरह है। किताबें भी नहीं है, नहीं मिल रही। तो क्या कारण मानते हैं सरकार, क्या ये कहीं क्या सोच मानते हैं इस बारे में जो है सरकार? एक तो कहती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इधर तो कहना है और रिकॉर्ड ही नहीं आप बच्चे जी, बेटी बचाओ का ये ढकोसलाबाजी बना रखा है, इतना करो भाई अनपढ़ता नहीं रहेगी, शिक्षा के बारे में भाई मैं बात करी तरक्की कराएंगे, सब कुछ है सर, ये सब कुछ सरकार की ढकोसलाबाजी है। तो अब आप लोगों को पता चला कि आप बच्चों का एडमिशन नहीं होता? अब हम आए, हमको अभी पता चला, हम इसलिए स्कूल में आए हैं, आपको भी खबर की है, इसलिए हम यहाँ आए हैं भाई, ताकि हमारे बच्चों के लिए पूरी कार्रवाई की जाए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के बारे में, बेटी बचाने के लिए पानी की सुविधा, बच्चों की उसके पैसों के बारे में भी नहीं मिल रहा, इसलिए हम यहाँ आए हैं सारे पंचायत जो भी हैं मेंबर। गर्म पानी नहीं हो जाता क्यों? हो जा। और फिर दोबारा लाते हो घर से? जब तुम्हें पेशाब लैट्रिन जाना हो कहाँ, या स्कूल में लैट्रिन बाथरूम करते हो या घर जाते हैं? घर जाते हो? मास्टर नहीं यहाँ पे ना। पानी को हाँ। यहाँ लाइट है ना। यहाँ क्या गर्मी में बैठते हो क्या तुम हाँ। और लैट्रिन बाथरूम नहीं, बस गंदे हैं, साफ नहीं करवाते? और कोई परेशानी स्कूल की तरफ से आपको पढ़ाने के लिए? मास्टर भी ना। मास्टर नहीं है ना। कितने बच्चे पढ़ते हो तुम सारे स्कूल में? इसमें नहीं, कितने बच्चे हैं तुम पूरे टोटल गांव के, कितनी लड़कियां बच्चे पढ़ रही हैं? कितनी लड़कियां हैं इसमें? डेढ़ से। ठीक है। तुम्हें सभी ना यहाँ पीने के लिए पानी है ना? है। पानी पीने के लिए फिर कहाँ से आते हो तुम? घर से। घर से पानी लाते हो? क्या आप जब पानी लाते हो क्या गर्म पानी नहीं हो जाते हो? देश विदेश की, राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।